चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों की 56 विधानसभा सीटों और एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश, गुजरात और यूपी में 3 नवंबर को उपचुनाव होगा। बिहार चुनाव से पहले आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बीएसपी और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के साथ नए गठबंधन का ऐलान किया। कांग्रेस पार्टी के आलाकमान ने बिहार चुनाव के लिए अपने प्रदेश अध्यक्ष समेत बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया, जिसमें आरजेडी के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। केंद्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के पर्यावरण मंत्रियों की 1 अक्टूबर को बैठक होगी, जिसमें पराली जलाने से रोकने के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ के मामले में बीएमसी को फटकार लगाई और पूछा कि इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद उन्हें मैक्स साकेत अस्पताल से छुट्टी मिल गई। प्रधानमंत्री मोदी ने नए कृषि कानूनों का विरोध करने वालों को फिर किसानों का विरोधी करार दिया। देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार के 5 साल चलने का दावा किया। 6 अक्टूबर को अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की टोक्यो में एक बैठक होगी, जिसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्वतंत्रता बरकरार रखने पर चर्चा होगी। ओडिशा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया, जो 7 अक्टूबर तक चलेगा। ओडिशा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और 11 विधायकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अकाली दल ने अपने नेताओं को दिल्ली नगर निगम के सभी पदों से इस्तीफा देने को कहा। किसान कानूनों के मामले में एनडीए से गठबंधन तोड़ने के बाद पार्टी ने यह फैसला लिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया, हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत 6 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। मुंबई में बम धमाकों की धमकी देने वाले आरोपी को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में गोलाबारी की, जिसका सुरक्षा बल ने करारा जवाब दिया। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना संकट के बीच नवरात्र के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिनके तहत इस साल गरबा और डांडिया समेत दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। बिहार चुनाव के लिए आरजेडी उम्मीदवारों की सूची फाइनल करने के लिए तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव से मिलने रांची पहुंचे। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें त्रिनगर से आम आदमी पार्टी की विधायक प्रीति तोमर पर चुनावी हलफनामे में शिक्षा की जानकारी गलत देने का आरोप लगाया गया। अब इस पर कोर्ट ने विधायक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। दिल्ली जल बोर्ड ने केंद्र सरकार की एजेंसियों और दिल्ली नगर निगम को बकाया भुगतान के लिए नोटिस भेजा। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कोरोना संकट की वजह से जयपुर, जोधपुर और कोटा की 6 निगमों के चुनाव टालने की मांग की गई थी, यानी अब वहां 31 अक्टूबर को ही चुनाव होंगे। दिल्ली पुलिस ने एक दिन पहले ट्रैक्टर जलाने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बरिंदर ढिल्लों भी शामिल हैं। दिल्ली के पास गुरुग्राम में बाइक पर आए 2 बदमाशों ने सुबह की सैर कर रही एक महिला की चेन छीनी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मेडिकल इमरजेंसी में राजभवन का हेलीकॉप्टर लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करने का आदेश दिया। दिल्ली में हिंदू राव अस्पताल के डॉक्टरों समेत कई कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। प्रयागराज प्रशासन ने बाहुबली और पूर्व सांसद अदीक अहमद के करीबी की एक अवैध इमारत को ढहा दिया। मध्य प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों में 1 अक्टूबर से ऑनलाइन पढ़ाई होगी, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया। यूपी सरकार ने सरकारी सूचनाएं हिंदी के अलावा संस्कृत में भी जारी करने का फैसला लिया। हरियाणा के जींद में पीएनबी की ब्रांच से 20 लाख रुपए चोरी हो गए। उत्तराखंड में आज से दूसरे राज्यों के लिए सरकारी बस सेवा शुरू हो गई। यूपी के डीजी जेल ने सभी जिलों के डीएम और पुलिस अधिकारियों को खत लिखा और कैदियों की कोरोना जांच बढ़ाने का सुझाव दिया। हरियाणा में 1 अक्टूबर से बाजरे की खरीद शुरू होगी, जिसके लिए जिले में फसल खरीद केंद्र बना दिए गए। दिल्ली की तिहाड़ जेल में 1 अक्टूबर से कैदियों की परिवार से मुलाकात का दौर फिर शुरू हो जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुनाव आयोग ने बिहार में तीर धनुष की जगह छड़ी चुनाव चिन्ह दिया। चंडीगढ़ में कई किसान संगठनों ने पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह से मुलाकात की और कृषि कानूनों से जुड़ी अपनी समस्याएं बताई। मुंबई में बढ़ते कोरोना खतरे को देखते हुए बीएमसी ने नए नियम जारी कर दिए, जिनके तहत बिना मास्क वालों को मॉल, दुकान, बस और टैक्सी में नहीं बैठने दिया जाएगा। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक दुकान में लगी आग पर दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह काबू पाया। छत्तीसगढ़ में कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस ने राजभवन तक मार्च निकाला और राज्यपाल से मुलाकात की। मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी पत्नी से मारपीट के आरोपी स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा को सस्पेंड कर दिया। इंदौर में कोरोना नियमों के साथ धार्मिक जगहें खोल दी गई। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में 2 अक्टूबर से स्कूल खोलने का फैसला लिया। कश्मीर में फल उगाने वाले कुछ किसानों और कारोबारियों ने सोपोर में प्रदर्शन किया और जम्मू श्रीनगर हाईवे को उनके लिए 24 घंटे खोलने की मांग की। पंजाब के अमृतसर में कुछ किसानों पर पराली जलाने का आरोप लगा। लेह में 3.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। मिजोरम में बांग्लादेश सीमा के पास बीएसएफ ने छापेमारी की और बड़ी मात्रा में हथियारों के साथ 3 लोगों को पकड़ लिया।
आंध्र प्रदेश के विशाखपट्टनम में लेफ्ट के नेताओं ने कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया। असम में भारी बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी का पानी खतरे के निशान के पार पहुंच गया, जिसके बाद नदी में नाव चलाने पर रोक लगा दी गई। गुजरात के राजकोट में 4.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। रेलवे 1 अक्टूबर से राजस्थान में 4 जोड़ी नई पैसेंजर ट्रेन चलाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2G केस में जल्द सुनवाई की ईडी और CBI की मांग वाली याचिका को मंजूर कर लिया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 14 लाख की ड्रग्स की खेप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के पास गाजियाबाद में कुछ बदमाशों ने एक गहने की दुकान से लाखों के जेवरात लूट लिए। तमिलनाडु सरकार ने कुछ और छूट के साथ 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन बढ़ा दिया। बिहार के रहने वाले अभिनेता अक्षत उत्कर्ष का शव मुंबई के उनके मकान से संदिग्ध हालात में मिला, जिसके बाद उनके परिवार ने हत्या का शक जताया। शिमला नगर निगम के पार्षदों ने शहर में बंदरों के हमले की शिकायत की, जिसके बाद सरकार ने पार्षदों से इस मामले में सुझाव मांगे। राजस्थान में 1 अक्टूबर से रणथंभौर टाइगर रिजर्व लोगों के लिए खुल जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में कुछ अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें सर्दियों से पहले कई योजनाओं की समीक्षा की। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में जल्द मॉनसून सीजन खत्म होने के बाद ठंड शुरू होने का अनुमान जताया। इराक में बगदाद हवाई अड्डे को निशाना बनाकर रॉकेट हमला किया गया, जिसमें 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। चिली के सैंटियागो में बंद चिड़ियाघर को करीब 7 महीने बाद लोगों के लिए खोल दिया गया। अमेरिका से चल रहे तनाव के बीच ईरान ने एक नई बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अफगानिस्तान के दायकुंदी प्रांत में हुए बम धमाके में 14 लोगों की जान चली गई। डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन के बीच राष्ट्रपति पद के लिए पहली आधिकारिक बहस भारतीय समय के मुताबिक सुबह 6:30 बजे होगी। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम हिस्से में एक कबाड़ में हुए विस्फोट में 5 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल की आग की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो गई और इस संकट के बीच कुछ इलाकों में इमरजेंसी भी लगाने का ऐलान किया गया। नेपाल सरकार ने कोरोना के खतरे के बीच पर्वतारोहियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। रूस के वोरोनेज इलाके के जंगलों में भड़की आग ने कुछ ही घंटों में 150 हेक्टेयर के जंगल तबाह कर दिए और यह आग रिहायशी इलाकों तक भी पहुंच गई। ग्रीस में कुछ लोगों ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के दौरे का विरोध किया। अमेरिका के ओरेगन में एक मकान के अंदर फायरिंग हुई, जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने ठंड में कोरोना के केस बढ़ने की आशंका के बीच सख्त प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए। अमेरिका के न्यूयॉर्क में रेस्टोरेंट कारोबार से जुड़े कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया और रेस्टोरेंटों में 50% ग्राहकों के प्रवेश को मंजूरी देने की मांग की। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली और कारोबार के अंत में सेंसेक्स 8 जबकि निफ्टी 5 अंक नीचे बंद हुआ। विश्व बैंक ने एशिया की GDP बढ़त दर कोरोना संकट की वजह से सिर्फ 0.9% रहने का अनुमान जताया, जो कि 1967 के बाद सबसे कम होगी। तेल कंपनियों ने डीजल के दाम में 8 पैसे की कटौती की, हालांकि पेट्रोल की कीमतों में फिर कोई बदलाव नहीं किया। IPL में दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अबुधाबी में मुकाबला जारी है, जिसमें अभी सनराइजर्स हैदराबाद ने 17 ओवरों में 2 विकेट पर 140 रन बना लिए। IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने मुंबई इंडियंस को सुपर ओवर में हरा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच कल दुबई में भिड़ंत होगी। मेजबान इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की महिला टीमें कल 5वां T20 मैच खेलेंगी, हालांकि इंग्लैंड पहले ही ये सीरीज 4-0 से जीत चुकी है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने आर्सेनल की टीम को 3-1 से हरा दिया। मेजबान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की महिला टीमें कल ब्रिस्बेन में तीसरा और आखिरी T20 मैच खेलेंगी, हालांकि ऑस्ट्रेलिया पहले ही ये सीरीज 2-0 से जीत चुकी है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एस्टन विला क्लब ने फुलहम को 3-0 से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका ने कोरोना के खतरे के बीच अपनी घरेलू T20 लीग को अगले साल नवंबर-दिसंबर तक टाल दिया। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने अपने ही देश की क्रिस्टी आन को हराकर फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में जगह बना ली। फ्रेंच ओपन के एक और मुकाबले में जर्मनी की एंजेलिक केर्बर को स्लोवेनिया की 19 साल की काया युवन से हार का सामना करना पड़ा। सऊदी अरब नवंबर में महिलाओं के लिए पहले गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन करेगा। पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को अदालत ने 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच उत्तरी आयरलैंड में पब और रेस्टोरेंट को 11 बजे बंद करने का फैसला लिया गया। जम्मू कश्मीर के युवा बल्लेबाज अब्दुल समद ने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए IPL में डेब्यू किया। दक्षिण अफ्रीका के डर्बन को 2023 विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी गई। सोनाक्षी सिन्हा अपने पापा शत्रुघ्न सिन्हा के साथ म्यूजिक वीडियो जरूरत में नजर आएंगी। महाराष्ट्र सरकार ने गायिका उषा मंगेशकर को साल 2020-21 का लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की। TMC सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां को दुर्गा के रूप में फोटोशूट करवाने पर सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री रकुल प्रीत की याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल ड्रग्स केस से जुड़ी खबरें दिखाए जाने पर रोक नहीं लगाई, हालांकि सूचना प्रसारण मंत्रालय, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
सलमान खान के भाई अरबाज खान ने सुशांत और दिशा केस में अपना नाम घसीटे जाने पर कुछ लोगों पर मानहानि का केस किया। अभिनेत्री पायल घोष महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और रेप केस पर निर्देशक अनुराग कश्यप की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। अभिनेता आफताब शिवदासानी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। अक्षय कुमार ने स्कॉटलैंड में अपनी फिल्म बेल बॉटम की शूटिंग का एक हिस्सा पूरा कर लिया और वो जल्द लंदन में शूटिंग करेंगे। और हॉलीवुड फिल्म मुलान भारत में 4 दिसंबर को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार प्लस पर रिलीज की जाएगी।